हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं और इससे थोड़ा आइडिया भी आपको लग रहा है कि किस विषय पर आज की जो वीडियो है वो बनने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो अंडे मैंने प्रैक्टिकल के लिए ऊपर ही रखे हुए थे जहाँ पर मुर्गी हमारी रहती है, और पीछे भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इवन फेसबुक में मैंने एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसमें कि मुश्किल से 2 या 3 दिन पुराने जो अंडे थे उसके अंदर चूज़े जो हैं वो बनने शुरू हो गए थे। तो ये दो अंडे मैंने एज अ प्रैक्टिकल रखे हुए थे अलग से, और इसमें मूवमेंट भी हो रही थी लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो मूवमेंट है वो लगभग बंद हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इनको देखते हैं अंदर से कि क्या फॉर्मेशन है इसके अंदर, और इसीलिए मैं इसको फ्लैट सरफेस यानी प्लेट में मैं फोड़ के देखूंगा क्योंकि कटोरे में सही से दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको एक प्लेट में फोड़ के देखेंगे। तो अभी बिना समय बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं इनको फोड़ के कि इनके अंदर अभी कितनी फॉर्मेशन है वो हो रखी है। ठीक है, तो बारी बारी करके दोनों अंडों को हम फोड़ के देखेंगे और दोनों में कितना फ़र्क है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो दो अंडे हैं और दोनों को हम देखेंगे फोड़ के बारी बारी करके। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। तो ये आप देख सकते हो कि जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक हो चुकी थी, आप देख सकते हो कि चूज़ा जो है लगभग इसमें बनना शुरू हो गया था, ये आप देख सकते हो डार्क साइड में इसके, लेकिन ये ख़राब हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मूवमेंट इसमें होनी बंद हो गई थी, तो आप देख सकते हो ये लगभग 10 दिन पुराने अंडे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चारों तरफ से आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हो इसकी नसें जो हैं वो दिख रही है, और उसके अलावा चूज़े को भी मैं सही से दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर चूज़े की जो आँख है कितनी क्लियरली नज़र आ रही है, साथ में जो चोंच है वो भी कितनी क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है ना, और भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये आप देख सकते हो इसके पंजे यानी जो पैर हैं वो भी, मतलब लगभग ये जो चूज़ा है अच्छा खासा बन चुका था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि या तो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन रह पाया या कोई और समस्या भी रही होगी जिसके कारण ये यहीं पर जो है इससे आगे नहीं बढ़ पाया। और इसकी मूवमेंट है जैसे आप ये देख सकते हो, इवन इसकी बाजुएं और ये इसके पंजे, तो ये है पहला अंडा जो हमने फोड़ा उसका रिज़ल्ट, और दूसरे वाले को भी हम देख लेते हैं उसमें भी क्या क्या है। तो और ये रहा अभी हमारा दूसरा अंडा, इसको भी हम फोड़ के देख लेते हैं। ये इसका हालांकि वज़न हल्का सा लग रहा है मेरे को उसके मुकाबले। ये वाला इसमें खैर कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, हल्की सी फॉर्मेशन है इसमें बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, मतलब बस इसके अभी ये बनना शुरू ही हुआ था, 2 या 3 दिन का रहा होगा, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये है, ये आप देख सकते हो नॉर्मल नसें वगैरह जो है वो बन रही है ना। तो इस वाले अंडे में कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन जो पहला अंडा जो हमने फोड़ा था, बल्कि मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। ये काफ़ी हद तक ये बन चुका था, जैसे कि आप देख भी रहोगे, देख सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी प्रॉपर हो, तो फिर खुले में भी शायद जो चूज़े हैं वो निकल सकते हैं, है ना। बाकी अफसोस भी है इस बात का कि जब बच्चा इतना बन गया और उसके बाद ख़त्म हो गया चूज़ा, है ना, तो अफसोस की बात है। लेकिन इससे भी पता चला कि गर्मी कितनी है मौसम में, और
इतनी है कि बिना मुर्गी के भी जो चूजे हैं वो बनने लग रहे हैं, है ना। तो इसीलिए दूसरी बात ये रहेगी कि आप समय समय पे जो अपने अंडे हैं वो जमा करें, फ्रिज में रखें, है ना, ताकि ठंडे रहे और उसमें चूजे बनने ना शुरू हो। तो ये एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने रखा था। उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि पूरा चूज़ा बन के निकल जाए, लेकिन जब इसके 2 दिन हो गए थे मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो इस करके मैंने इसको आज फोड़ के देखा और आपके सामने है रिज़ल्ट, है ना। तो कई सारी चीज़ें होती है सीखने लायक हमारे इस मुर्गी पालन में, है ना। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी कि 10-15 दिन में जो बच्चा है वो इतना हुआ है, मतलब इतना पुराना अंडा रहा होगा, ये लगभग 10-15 दिन पुराना अंडा रहा होगा। ऊपर ही हमने छोड़ रखा था, बाकी ये वाला अभी शायद पिछले हफ्ते का है, लेकिन ये वाला भी ख़राब हो गया है ना। तो फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और फिर दोबारा से आपसे यही निवेदन करूँगा कि चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।